हाँ जी, तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। हेलो। हाँ जी, तो यूटिलिटी, कंज्यूमर थ्योरी, और आज हम क्लास टू अपनी कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं, आज के इसका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड हाउ डज इट हेल्प इन द डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। तो आप देखिए, कोई सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा आप अपने सामने स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं, डिमिनिशिंग मार्जिन आपने जैसा कि लास्ट क्लास में समझा भी था, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दिया है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की हेल्प से आप डिमांड कर्व का डेरिवेशन दो, कि डिमांड कर्व किस तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी से आया है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के बारे में हम समझ ही चुके हैं। कोई भी चीज आपके कितने भी फेवरेट क्यों ना हो, अगर आप उसका कंजम्पशन कंटिन्यूस हो, तो हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपका पिछले यूनिट के कंपेटिवली कम होता चला जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम कितने सेटिस्फाइड होते हैं नहीं, बल्कि हमारी नीड्स पे, हमारी वांट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको तेज भूख लग रही होती है, तो आपको वो एक चपाती आप खा करके आप उसको बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत सेटिस्फाइड देगा। लेकिन अगर आपको भूख नहीं लग रही है, तब आप उस चपाती को कंज्यूम कीजिए, तब आपको उससे सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? सेम चीज, सेम कम्युनिटी, एक टाइम पर आपको ज्यादा सेटिस्फाइड कर रहा है, एक टाइम पर आपको सेटिस्फाइड नहीं भी कर रहा है। तो एक अगर हमारा उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता, केवा कि सेटिस्फेक्शन हमारे वांट्स पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा नीड, जितनी ज्यादा हमें वांट्स होगी, उतना ही ज्यादा हम सेटिस्फाइड होंगे, और जितने कम वांट्स होंगे और उतने ही हम जो है कम सेटिस्फाइड होंगे। वॉइस ब्रेक हो रहा है, देखना एक बार वॉइस। अच्छा, वॉइस ब्रेक कैसे हो रहा जी? वॉइस नहीं आ रही है सर, बहुत वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकंड देखते हैं। फिर शुरू से भी स्टार्ट करता हूँ, पहले वॉइस अच्छी हो जाए। हाँ जी, वॉइस अब ठीक है, ऑडिबल है, ऑडिबल है, वॉइस प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई? बच्चों जल्दी से कमेंट कीजिए। वॉइस प्रॉब्लम है, मैं कंटिन्यू आपसे बात भी कर रहा हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, और ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एंड हाउ डज इट हेल्प इन डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। अब ऑडिबल है? चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, अब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप अपने सामने क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड हाउ डज इट हेल्प इन द डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। तो आप अपने एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा कि कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा, एक क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन आपके अटैच होंगे, जैसा आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया और अभी भी थोड़ा सा हम इसको समय देंगे। देखिए, कोई भी चीज आपके कितने भी फेवरेट क्यों ना हो, अगर आप उसका कंजम्पशन कंटिन्यूसली करते चले जाएंगे, तो हर नेक्स्ट यूनिट से जो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, वो आपका लास्ट यूनिट के कंपेटिवली कम होता चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, पहली आइसक्रीम को आप जब कंज्यूम करेंगे, तो जो आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेकेंड आइसक्रीम उसी के जस्ट बाद आप कंज्यूम कीजिए, तो आपको, मैं ये नहीं कह रहा सेकेंड आइसक्रीम से सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट पहले जितना मजा आपको नहीं आएगा, और थर्ड से आपका सेटिस्फेक्शन लेवल और कम हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो एक टाइम पर ऐसा आएगा कि आप उसको कंज्यूम करने से मना कर देंगे, मतलब कि आपको जीरो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा। तो
तो देखिए कोई भी कम्युनिटी को जब आप कंजम्पशन करना स्टार्ट करते हैं तो पहले ये सर्टिफिकेशन लेवल रहता है, फिर कम, लगातार कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला जाता है। तो डिक्रीज होने को कहते हैं डिमिनिशिंग, और सेटिस्फेक्शन लेवल को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये हो गया लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो कोई भी गुड्स हो सभी पर ये अप्लाई होता है कि अगर आप उसका कंटिन्यूसली कंजम्पशन करेंगे तो आपका मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल, मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होगा। सवाल ये था कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल किसी गुड्स की क्वालिटी पे डिपेंड नहीं होता है। अगर हमारा सेटिस्फेक्शन किसी गुड्स की क्वालिटी पे डिपेंड होता तो मान लीजिए कि आपको अगर बहुत तेज प्यास लग रही है और आप एक ग्लास वाटर आप जो है ड्रिंक कीजिए तो आपको उससे बहुत सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा। अगर आपको प्यास नहीं लग रही है फिर आप एक ग्लास पानी पीजिए तो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलेगा। अगर चीजों पर डिपेंड होता है आपका सेटिस्फेक्शन लेवल तो वो सेम ग्लास ऑफ वाटर जितना सेटिस्फाइड आपको पहले कर रहा है उतना सेटिस्फाइड आपको अभी भी करता, ठीक है जी। लेकिन ऐसा आपके साथ में नहीं हुआ, मेरी बात समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपकी वांट थी तब आप ज्यादा सेटिस्फाइड हो रहे थे, जब आपकी वांट कम थी तो आप कम सेटिस्फाइड हो रहे हैं। इसीलिए जैसे ही किसी यूनिट का आप कंजम्पशन करते हैं तो आपकी वांट जो है सेटिस्फाइड कुछ लेवल की हो जाती है, अब आपकी नीड कम रहती है उस चीज को लेकर के। तो आप जब सेकंड टाइम कंजम्पशन करते हैं सेम क्वालिटी तो आपकी नीड कम होने की वजह से अब आपको कम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है, और थर्ड टाइम आपकी नीड और कम हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आप दो कंजम्पशन कर चुके हो। तो कंटिन्यूसली आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल गिरता चला जाता है इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल के साथ में पढ़ा, टेबल के साथ में पढ़ा, उतना डिटेल में दोबारा जाने की जरूरत है नहीं, क्लासेस आपके पास में रिकॉर्डेड है, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं देख पाए उसको। तो यहां पर मैंने आपको समझाया एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मेरा कहने का मतलब। अब नेक्स्ट है एंड हाउ डज इट हेल्प इन द डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व को कैसे डिराइव करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बाद में आएंगे इस क्वेश्चन पर। पहले इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन को, फिर हम आएंगे तो आप देखिएगा कितनी इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मेरा क्वेश्चन यह है आपके साथ में, देखिए मैं उसी क्वेश्चन को समझा रहा हूं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरा क्वेश्चन यह है कि आप किस कमोडिटी के कितनी यूनिट का कंजम्पशन करेंगे, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है। कोई कमोडिटी है उसकी कितनी यूनिट का आप कंजम्पशन करेंगे, आप एक यूनिट का कंजम्पशन करेंगे या आप ज्यादा यूनिट का कंजम्पशन करेंगे, कितनी यूनिट का कंजम्पशन करेंगे ये किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो आप ये कहेंगे कि सर ये हमारी वांट पर डिपेंड करता है, वांट कम है तो हम एक यूनिट का कंजम्पशन करेंगे वांट्स पे, जैसा कि कमेंट में आंसर भी आया। तो ठीक है अदिति सिंह, आप कह रहे हैं कि वांट्स पे ये हमारे डिपेंड करता है। तो आप जरा समझने की कोशिश करो कि मान लो एक आइसक्रीम है, 20 रुपए का आपको एक आइसक्रीम मिलता है, 20 रुपए प्राइस है इसका। आप जाते हैं और जनरली क्या करोगे, आप गए और आपने यहां पर एक आइसक्रीम आपने यहां पर बाय कर लिया, ठीक है, और आप इसका कंजम्पशन करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर उसी टाइम पर वो दुकानदार आपको ये ऑफर कर दे कि भैया आइसक्रीम 2 रुपए की हो गई है, तो अब बताओ कि आप एक आइसक्रीम कंज्यूम करके घर आ जाओगे लौट करके, फिर आप नहीं आओगे भैया, फिर तो आप जो है पूरी की पूरी प्लेट सजा लोगे आइसक्रीम से, ऐसा ही करोगे ना। अब सवाल ये है कि अगर आपकी वांट्स पे डिपेंड करता है तो पहले आपका जो है मन, आपकी पहले इच्छा, पहले आपकी वांट, पहले आपकी भूख वो एक आइसक्रीम की थी। जैसे रेट डाउन हुआ, प्राइस डाउन हुआ, वैसे ही आपकी वांट कैसे बढ़ गई भैया, ये मैजिक कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे वांट्स पे डिपेंड ये चीजें नहीं करती हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है मेरी बात समझे, हुआ क्या। जनरली हम ऐसे ही तो करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, आप एग्जांपल से और समझने की हम कोशिश करते हैं। जरा पहले आप समझिएगा क्या है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ सवाल पूछूंगा उसको आंसर कीजिएगा। आपको बहुत तेज प्यास लग रही है और आप दूर दूर काफी दूर से सफर करते हुए आ रहे हैं और आप इस तरीके से फंसे हुए हैं कि पानी पीने का आपको मौका भी नहीं मिल पा रहा, और अब आपको 47-48 डिग्री के टेम्परेचर में आपको हर हाल में पानी चाहिए क्योंकि ये 3-4 घंटे हो चुका है आपको अपने प्यास को कंट्रोल किए हुए। अब आपको एक दुकानदार आपको किसी तरीके से उतरे बस से और आपको दिखा यहां पर एक पानी वाला, आप भाग करके उसके पास गए उस रेगिस्तान में पानी पीने के लिए, और आपने उससे कहा कि भैया एक ग्लास पानी दे दो कितने के, वो आपको कहता है जी 20 रुपए का एक ग्लास पानी दूंगा, क्या आप पियेंगे। हाँ आप पियेंगे, आप उसको हाँ बोलेंगे, आप 20 रुपए देंगे और एक ग्लास पानी आप पी लेंगे। अब बताइए एक ग्लास पानी के लिए आपने 20 रुपीज पे करा,
ठीक है। अब क्या होगा कि अगला ग्लास भी वो आपसे पूछता है कि अगला ग्लास भी लगाऊं पानी का, तो आप मना कर देते हो, नहीं। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गए हो। आपका मन तो अभी भी है नेक्स्ट ग्लास वाटर पीने का, बट आप मना कर दोगे और आपको लगेगा यार महंगा है यार, एक ग्लास पानी 20 रुपए का, घर जा करके हम पी लेंगे। तो देन आपने डिसीजन लिया कि आप एक यूनिट ही कंज्यूम करोगे, और आपको सेकंड में आपने, ऐसा नहीं है कि आपकी प्यास बुझ गई थी, प्यास थी बट सेकंड वाली आपको महंगी लगी। भैया जब सेकंड वाली आपको महंगी लग रही है तो पहली वाली क्या उसने सस्ती में दी थी आपको? पहली वाली भी तो 20 रुपए में दी थी। तो मुझे मेरा सवाल का जवाब दो, जब पहली वाली आपको महंगी नहीं लगी तो दूसरी वाली आपको महंगी क्यों लग रही है? इसका आंसर करें। इसलिए क्योंकि पहले वाले में आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ये था, हायर लेवल सेटिस्फेक्शन था, क्योंकि आपकी वांट्स थी उस लेवल की। तो आपको 20 रुपए पे कर रहे थे तो आपको 20 रुपए महंगा नहीं लगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो आप इसके आप रिसीव कर लेंगे, इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा। जितना आप पे कर रहे हैं उससे ज्यादा आप रिसीव कर रहे हैं। हमेशा जिंदगी में जो भी सामान आपने खरीदा है हिसाब लगाया है, जो मैं दे रहा हूं उससे ज्यादा रिटर्न इससे मिलता है नहीं मिलता है? अगर मिलता है तो मैं पे करके उसको बाय करता हूं, अगर नहीं मिलता है भले मेरी नीड क्यों, मैं उसको छोड़ दूंगा। तो ऐसे ही फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर में क्या था कि आपने अभी कंज्यूम किया ही नहीं था ड्रिंक, आपका वांट इस लेवल का था तो सेटिस्फेक्शन लेवल इस लेवल का मिलेगा आपको, तो आपको 20 रुपए कम लगे थे तो आपने उसका ड्रिंक कर लिया। जब आप एक ग्लास वाटर आप ड्रिंक करते हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, क्योंकि आपकी वांट भी कम हो गई है, पहले जितनी तो है नहीं, है कम हो गई है। तो अब आप प्राइस पहले ये पे कर रहे थे, सेटिस्फेक्शन लेवल भी ये मिल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब प्राइस तो अभी भी आप यही पे करोगे, पर सेटिस्फेक्शन लेवल आपका डाउन हो जाएगा, यार जितना आएगा उससे ज्यादा तो मैं पे कर रहा हूं इसको। तो आप बोलोगे नहीं ये तो नुकसान है, तो आप बोलोगे घर जाकर के पी लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हाई प्राइस होता है तो आप सेटिस्फेक्शन लेवल को भी आप हाई तक ही मेंटेन रख सकते हो। और सेटिस्फेक्शन लेवल हाई कब रहता है? जब आप कम यूनिट का कंजम्पशन करते हो। तो हाई प्राइस पर कितने यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हो, ज्यादा या कम का? जब प्राइस हाई है तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी हाई ही तक ही रख सकते हो, क्योंकि उससे नीचे सेटिस्फेक्शन लेवल आपका आएगा तो आपके लिए लॉस है, तो आप उसको बाय करने का रीजन नहीं लेते हो। तो हाई प्राइस पर सेटिस्फेक्शन लेवल भी हाई रखना है आपने, और हाई सेटिस्फेक्शन लेवल तो इनिशियल पर होता है, कम क्वांटिटी कंजम्पशन पर होता है। इसलिए ज्यादा होती है तो कंज्यूमर कम यूनिट का कंजम्पशन करता है। चलिए मान लीजिए इसी प्यास में, इसी एग्जाम्पल में, अगर आपके पास में 2 रुपए ग्लास वाटर अगर आपको ऑफर करता तो आप एक ग्लास पानी पीते, प्राइस देखिए ये जा रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल ये मिला, पीने के बाद आपका सेटिस्फेक्शन लेवल यहां भी डाउन होगा, बिल्कुल डाउन होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी हमेशा अप्लाई होता है, ये डाउन हुआ, बट प्राइस तो आपने यही पे करा, बट अभी भी आप कंपेयर करते हैं 2 रुपए तो है, क्या जाता है, कौन सा घाटा है इसमें? मुझे मालूम है पहले से कम मिलेगा, लेकिन जितना ही मिलेगा 2 रुपए से तो ज्यादा ही है, तो आप सेकंड ग्लास वाटर भी ड्रिंक कर लेंगे, फिर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ये आ गया, आप थर्ड ग्लास भी ड्रिंक कर लेंगे। इसके बाद बोलेंगे नहीं 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 अब नहीं, अब नहीं, अब इसके बाद पे यही करना पड़ेगा और सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन चला जाएगा। तो इसलिए जब लो प्राइस होता है ना तो सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा भी अगर डाउन हो जाए तो इससे भी आपको बेनिफिट ही रहता है। इसलिए लो प्राइस पर आप ज्यादा यूनिट का भी कंजम्पशन कर सकते हो, सेटिस्फेक्शन लेवल अगर डाउन जा भी रहा है प्रीवियस कंपेटेबली तो वो भी आपके प्राइस से ज्यादा ही है या प्राइस के इक्वल है, तो वहां पर भी आप उसका कंजम्पशन कर सकते हैं। पहले एक बात मेरी समझ में आई कि ये लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से ही तो हो पा रहा है। अगर लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जिंदगी में अप्लाई नहीं होता तो आप अगला ग्लास पानी भी पीते, तीसरा ग्लास पानी भी पीते। अगर आपकी वांट उतनी रहती तो भैया जब पहला पी रहे हो तो अगला भी पीते, तीसरा पीते, घर द्वार सब बेच करके पानी पीने में लगे रहते, रहता या नहीं रहता? तो बताइए ये जो आप डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं भैया बस, या फिर एक यूनिट का या ज्यादा यूनिट का, ये किसकी वजह से? आप कंपेयर कर रहे हैं कि आप क्या पे कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, और रिसीव जो आप कर रहे हैं वो हर बार आपका डिक्लाइन होता चला जाएगा, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। यही तो मेरा सवाल था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से डिमांड कैसे डिसाइड होता है, यही तो हमारा क्वेश्चन था। मेरी बात समझे या नहीं समझे बताइए जी, जरा कमेंट, इतनी बात समझ पाए आप तो आप जरा कमेंट करके मुझे बताइए। एग्जाम्पल के साथ में हम चीजें समझ रहे हैं, धीरे धीरे सबको देखेंगे। चलिए तो अब यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं, वही एक एग्जाम्पल लिया भैया, जैसे ही 20 रुपए आइसक्रीम थी तो यहां पर आपने एक आइसक्रीम का कंजम्पशन करा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगली आइसक्रीम खाने का मन नहीं है, कुछ अधूरी इच्छा आप अपने दिल में ही दफन करके आप घर चले गए क्योंकि अब आपको प्राइस ज्यादा लग रहा है। लेकिन जैसे आप शादी ब्याह में गए जहां आपको पे नहीं करना है, वहां पर आप इस तरीके का आप जो है प्लेट लेकर के गए और बोला आपने इतनी आइसक्रीम लगा दो, क्लियर है? क्योंकि आप जो वहां पर घर पे ही नहीं करते, बट जनरली लो प्राइस पर आप ज्यादा यूनिट का कंजम्पशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे भैया, ये बात क्लियर है आपको? चलिए ये क्या कहता है भैया, आपका कंटेंट क्या कहता है, कंटेंट कैसे याद करेंगे? तो जो मैंने कहा है उसको बस ध्यान से आप सुन लेंगे,
तो आपको कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के बारे में पहले ही कहेगा, जो मैं कह चुका हूं आपको। दिस लो स्टेट्स दैट व्हेन अ कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। एज फॉर एग्जाम्पल, अ हंग्री मैन गेट्स मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट चपाती, लेजर यूटिलिटी फ्रॉम सेकेंड चपाती एंड सो ऑन। डिमांड डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी और यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी टू द कंज्यूमर। जैसे जैसे आप एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते चले जाते हैं, हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाला संतुष्टि का स्तर गिरता चला जाता है, और इसी को कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास्यमान नियम। मार्जिनल यूटिलिटी को हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता, और गिरने को कहते हैं ह्रास्य होना। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास्यमान नियम लागू हो रहा है, और ये क्या होता है वो आपने समझ लिया। अब क्या कहता है, इफ ही गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन ही विल पे मोर। अगर उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा तो वो ज्यादा पे करने के लिए भी रेडी हो जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है? अब एग्जांपल लीजिए, ये चीजें क्लियर है या नहीं आपको, आप बताइए। तो अगर आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा तो आप ज्यादा पे करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, जैसे छोले भटूरे 20 रुपए प्लेट भी है और 70 रुपए प्लेट भी है, तो अगर आपको 70 वाला ज्यादा सेटिस्फाइड दे रहा है तो आप 20 रुपए वाला क्यों लेंगे, आप 70 वाला भी लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो वही वही बात कह रहा है, If he get more satisfaction, he will pay more. And if he gets less utility, he will buy at a lower price. वो कम price पर buy करेगा. Since the additional or successive units give him the lesser utility, हर अगला next unit उसे कम satisfaction level देगा. He will be buy additional unit only at a lower price. वो अगली unit को lower price पे खरीदना चाहेगा, उस price पे नहीं खरीदना चाहेगा, क्योंकि price तो उसने ये pay करा, satisfaction level ये मिला, next satisfaction level ये मिलेगा, फिर वो ये price क्यों pay करेगा? Price तो lower pay करना चाहेगा, but price तो low हो ही नहीं सकता है ना, price तो हो ही रहेगा, तो आप क्यों लोगे फिर नीचे, आप एक unit लेके घर चले जाओगे। And this is law of the demand, which states the demand for a commodity is more at a lower price and less at the higher price. ठीक है जी, clear है? कोई doubt? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एक्सप्लेन्स द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। आप देखिए कैसे डिमांड कर्व को बताता है, या उन्हीं बातों को फिर से एक तरीके से आपको पूरे डिटेल में अच्छे से आपको ये यहां पर समझाया जाएगा, आप इसको रीड कीजिएगा। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ द डिमांड विच एक्सप्लेन्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। आपने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में क्या समझा है, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में क्या सीखा है आपने, कि जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो हम उसकी डिमांड कम करते हैं, प्राइस जैसे उसकी लो होती है तो डिमांड हम ज्यादा करते हैं। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में तो भी आप यही कर रहे हो, प्राइस हाई है तो आप कम यूनिट का ही डिमांड कर करके छोड़ रहे हो, क्योंकि उसके बाद तो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल कम मिलेगा, प्राइस ज्यादा लगेगा तो आप कम कर रहे हो, और जब प्राइस लो है तो आप ज्यादा यूनिट का डिमांड कर रहे हो। तो जो लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है, यही तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कह रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड आप कहने के पीछे कारण क्या है, अहम रीजन, बहुत सारे फैक्टर हैं, बट मेन रीजन क्या है आपका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। आगे क्या कहता है ये, और आपको पता लग गया इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, वो भी आप एक बार समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, देखिए जनरली क्या होता है कि मैं यही मान के चल रहा हूं कि पीछे आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, तो उस हिसाब से हर एक बात को बता बता के चलता रहूंगा। कोई कमोडिटी है, उसकी प्राइस अगर इंक्रीज होगी, जनरली आप उसकी डिमांड क्या करेंगे, कम, और प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड क्या करेंगे आप, ज्यादा। तो एक में जिस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, दूसरे में उसके अपोजिट चेंज आ रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं, जब दो चीजों में अपोजिट डायरेक्शन में चेंज आता है तो इसको हम अपोजिट रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशन भी कहते हैं। तो इसी तरीके से प्राइस एंड डिमांड के बीच में क्या देखने को मिलता है, इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। क्लियर है जी, गेट्स लेस यूटिलिटी। आगे क्या कह रहा है, वी कैन एक्सप्रेस द सेम आइडिया इन अनदर वे ऑल्सो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमिनिशेस एज अ पर्सन हैज मोर ऑफ इट। जैसे जैसे पर्सन उसको ज्यादा कंज्यूम करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जाएगी। ठीक है, आगे क्या कहता है, अकॉर्डिंगली एंड देयरफॉर एन एडिशनल यूनिट विल नॉट बी डिमांडेड अनलेस इट इज अवेलेबल एट अ लो प्राइस। जब तक कि वो लोअर प्राइस पर अवेलेबल नहीं हो जाता है तो उसको डिमांड करने की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि अगले से सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होगा, डाउनलोड होगा। द मार्जिन यूटिलिटी कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप एंड देयरफॉर द डिमांड कर्व बेस्ड ऑन मार्जिन यूटिलिटी कर्व आल्सो हैज अ नेगेटिव स्लोप। ऑब्वियसली मार्जिन यूटिलिटी भी एक नेगेटिव स्लोप का होता है। अगर मैं आपसे बात करूं, चलिए देखते हैं प्राइस और मैं एमयू की बात कर लेता हूं, मतलब कि सेटिस्फेक्शन की। जब प्राइस हाई होगी तो आप यहां पर कम यूनिट का कंजम्पशन करोगे ना, तो टोटल यूटिलिटी आपकी कम रहेगी,
और जब प्राइस लो होगा तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल करोगे तो टोटल यूटिलिटी आपकी हाई हो जाएगी। तो बात टोटल यूटिलिटी से कर रहे हैं, क्लियर है? यहां तक समझ में आपको आ गया? अब आइए डायग्राम के ऊपर आते हैं, जरा डायग्राम को हम समझते हैं कि डायग्राम में क्या है। वही एक बात जो कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, तो आपके सामने टेबल में भी चीजें आपके सामने रखी हुई हैं। क्या कहता है, मान लो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन डजन, ठीक है, 1 dozen, 2 dozen, 3 dozen, 4 dozen, 5 dozen, मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी है ना, बेसिकली यूटिल्स में होता है, तो आप सोच रहे होंगे यहां रुपीस में कैसे आ गया, समझिए इस चीज को, समझिएगा अभी अगले क्वेश्चन में काम आएगा। एक मुझे एक बात बताओ कि 1 किलो ज्यादा होता है या 1 वर्ष ज्यादा होता है? आपने सही सुना है और मैंने सही कहा है, आप बस मुझे बता दो 1 kg और 1 वर्ष 1 ईयर दोनों में से कौन ज्यादा होता है? चलिए नहीं बता पाए, अगला एग्जांपल, 2 किलोमीटर और 5 मिनट, बताओ कौन ज्यादा है कौन कम है? तो आप कहोगे सर इनमें कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है। क्यों कंपैरिजन नहीं हो सकता, जरा आप ये भी बता दो। कंपेयर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं, क्लियर है? दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं। दोनों में क्यों कंपेरिजन नहीं हो सकता है जी? क्योंकि दोनों के दोनों हैं, आपके अलग अलग यूनिट्स हैं। कैसे कंपेयर हो जाएगा, 1 किलोग्राम है और 1 ईयर है, कहां से तुलना कर पाओगे इसकी? 1 किलोमीटर है और 1 मिनट है, कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, इसलिए कंपेयर नहीं हो पाएगा, मेरी बात समझे? उसी तरीके से जो हम पे करते हैं वो क्या पे करते हैं, हम जो पे करते हैं वो पे करते हैं डियर प्राइस, ठीक है, जो कि रुपीज में होता है रुपया, और जो हम रिसीव करते हैं सेटिस्फेक्शन, और सेटिस्फेक्शन को हम किस में कहते हैं, किस चीज में हम मेजर करते हैं, यूटिल्स में करते हैं। तो आप बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 20 रुपए आइसक्रीम के लिए पे करा और मुझे 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन लेवल मिला, तो आप कैसे बता सकते हो मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्योंकि दोनों चीज तो अलग अलग है। तो इसलिए जरूरत किस चीज की है कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल यूटिल्स में है ना, इसको किस में कन्वर्ट किया जाए, इसको रुपीस में कन्वर्ट किया जाए। तो रुपीस में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। कैसे आसान है जरा समझ लीजिएगा। अगर मैं आपसे यहां पर यह बोल दूं कि 1 यूटिल की वैल्यू 1 रुपए है, अगर मैं आपसे एक बात कर दूं 1 यूटिल की वैल्यू 1 रुपए है, तो अब आप बताइए कि 100 यूटिल मुझे मिलने का मतलब कितने रुपए का मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल मिला? मुझे 100 यूटिल मिलने का मतलब मुझे 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन लेवल मिला। तो मैं अब इसी सेटिस्फेक्शन लेवल को किस में लिख सकता हूं, अब मैं अपने इसी सेटिस्फेक्शन लेवल को रुपीज में लिख सकता हूं, मेरी बात समझे, कि मुझे 100 रुपए का मजा आ रहा है। तो आप कंपेयर कर सकते हो आप अपने 20 रुपए से, कि 20 रुपए दिए 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन लेवल मिला, अब कंपैरिजन हो सकता है। इसीलिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने क्या समझाया आपको, मैंने आपको यहां पर यह सिखाया है अभी क्या, कि मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है 100 यूटिल्स। चलिए अब मैं एक बात और कर देता हूं आपके सामने कि 10 यूटिल्स मतलब 1 रुपया होता है, तो 100 यूटिल मतलब कितने रुपए मुझे मिले, कितने रुपए का सेटिस्फेक्शन लेवल मिला, बताओ कितने रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला, बताइए जी बताइए कितने का सेटिस्फेक्शन लेवल मिला? मुझे 10 यूटिल्स मिला और 10 यूटिल्स की वैल्यू है 1 रुपया, तो कितने यूटिल का मिला बताएं जरा। तो यहां पे सिंपल बोलोगे सर 10 यूटिल 1 रुपया बन रहा है, तो 100 यूटिल का मतलब 100 जो है 10 रुपया बनेगा, तो 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, तो आप बोलोगे 10 रुपए का। मेरा कहने का मतलब क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी को उसके प्राइस से अगर आप डिवाइड कर दें, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 रुपए में जितना भी आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है ना, 1 रुपीज में जो भी सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है आपको 1 रुपीज में, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है? तो 1 रुपए में जितना भी सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा इसको हम बोलेंगे मार्जिन यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी। अगला एग्जांपल, प्राइस है भैया 20 रुपया, ठीक है कटराई, तो अगले पेज पे आते हैं। देखिए प्राइस क्या है 20 रुपए, यूटिलिटी कितना मिला, यूटिलिटी तो मुझे मिला जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिला 100 यूटिल्स,
बताओ एक रुपए में कितना सेटिस्फेक्शनेबल मिल रहा है, एक रुपए में कितना सेटिस्फेक्शनेबल मिल रहा है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी। बताओ 20 रुपए जब 100 यूटिल लेकर के आ गए, 20 रुपए दिए 100 यूटिल मिला, तो एक रुपए में कितना मिला आपको? तो क्या बोलोगे आप, एक रुपए में 5 यूटिल मिल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी क्या बन जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी। ये बात समझ में आपको आया कि, और ये क्या होता है कि आपका एक रुपए में कितने आपको यूटिल्स मिल रहा है। ये बात पहले आपको समझ में आई या नहीं आई? तो हमेशा ध्यान रखना मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी क्या होता है, एक रुपए में कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और ये निकलता कैसे है, मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय उसकी प्राइस, तो पता लग जाता है एक रुपए में कितना आपको मिल रहा है। क्लियर है जी? तो चलिए अपने टेबल में वापस लौट के जाते हैं और देखते हैं क्या है कि भैया मार्जिन यूटिलिटी आपको 30 रुपए का आपको मजा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप 30 रुपए ही पे करना चाहेंगे। जब आपको उससे मजा 25 रुपए का आ रहा है तो आप 25 रुपए तक पे कर सकते हैं, उससे ऊपर तो आप बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे। जब आपको 15 रुपए का सेटिस्फेक्शन लेवल मिला, ये रुपीज में हो गया ना सेटिस्फेक्शन लेवल, तो आप 15 रुपए मैक्सिमम पे करेंगे, 16 रुपए क्यों पे करोगे जब 15 रुपए का आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप यहां पर देख रहे हो कि आपके पास में सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन होता चला जा रहा है, वैसे वैसे आप उसके लिए कम प्राइस पे करने के लिए आप रेडी होंगे। ठीक है जी, बात करते हैं हम डायग्राम की। तो डायग्राम में आप जरा समझने की कोशिश करें, डायग्राम में क्या है कि मेरे पास में 1, 2, 3, 4, 5 ये मैंने इन डजन ले लिया, ठीक है, और यहां पे मार्जिन यूटिलिटी इन जो है प्राइस मैंने रुपीज में यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, जैसे कि आपने टेबल पे भी देखा, टेबल में क्या देख रहे हैं आप, एक ही पेज पे दोनों देखते हैं हम, यहां देखिए एक ही पेज पे दोनों देखेंगे तो बेटर समझ पाएंगे। देखिए जी, लो ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज, और प्राइस जब कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगा, इनवर्स रिलेशन। हमेशा ध्यान रखना ऐसा कोई भी रिलेशन इनवर्स होता है उसका डायग्राम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ही बनता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड में क्या होता है, अगर एक चीज अगर आप बढ़ा रहे हो, जैसे मान लो कि आपके पास में ये प्राइस है, तो आपके पास में इतने यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हो एक डजन, प्राइस जैसे ही कम होगा, प्राइस कम हुआ तो अब आपका कंजम्पशन कितना हो गया, बढ़ गया। प्राइस और कम करोगे तो कंजम्पशन क्या हो गया आपका, और बढ़ गया। तो यहां पर आपके पास में कभी भी नेगेटिव रिलेशन होगा तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ही डायग्राम बनता है। और अगर आप इसमें देखें तो देखिएगा आपके पास में नंबर ऑफ ऑरेंज इन डजन, जैसे आपको 1, 2, 3, 4 डजन, और यहां पर अगर आप प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस आपके पास में क्या है, प्राइस आपके पास में 30 रुपए, यहां पर मैं प्राइस रखता हूं, तो उस पर आप एक डजन बनाना आप कंज्यूम कर रहे हो। ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई? जैसे प्राइस फॉल होगी, तो प्राइस अगर फॉल हुई तो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी फॉल होगा, प्राइस अगर गिरा तो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी फॉल होगा, तो कंज्यूमर फिर और कंजम्पशन कर सकता है अगर प्राइस गिरा तो। क्यों, प्राइस गिर गया तो अगर बस सेटिस्फेक्शन लेवल करेगा तो वो भी गिरेगा, तो फिर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर प्राइस डाउन होता है तो कंज्यूमर उसके लिए कम पे करने के लिए रेडी होता है, तो कंज्यूमर और सेटिस्फेक्शन लेवल वहां पे उसका डाउन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ज्यादा यूनिट का कंजम्पशन वो करता चला जाएगा। जैसे जैसे प्राइस डाउन होता चला जाएगा कंज्यूमर बोलेगा लाओ भैया फिर एक और लगाओ। अब पानी ही पी रहे हैं आप, 2 रुपए गिलास पानी पिया या आपने, दुकानदार कहता भैया 1 रुपए अगला पी लो, ठीक है भैया फिर लगाओ, क्योंकि मुझे अगला मजा कम आ रहा है तो फिर प्राइस भी तो मैं कम दे रहा हूं। तो उससे जैसे जैसे प्राइस आपका डिक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे हम उसकी डिमांड को बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कह लो इसको, या फिर आप इसको डिमांड कर्व कह लो। मेरी बात समझे कि जैसे ही प्राइस जो है फॉल होगा तो यहां पर आपके पास में मार्जिनल यूटिलिटी भी आपके पास में धीरे धीरे आपके पास में क्या होगा, ये आपका कम होता चला जाएगा। समझे, प्राइस और आपके इस तरीके से आप कंजम्पशन करते चले जाएंगे, मार्जिन यूटिलिटी डाउन होता चला जाएगा, कंजम्पशन कम करते चले जाएंगे, कंजम्पशन बढ़ाते चले जाएंगे और मार्जिन यूटिलिटी आपका डाउन होता चला जाएगा, और एक टाइम पर इसी तरीके से ये इनवर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है जी? कोई डाउट, डाउट है तो पूछिए। अब देखिएगा ये अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने है,
कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, शो हाउ द डिमांड कर्व कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द मार्जिन यूटिलिटी कर्व। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज किसी वजह से इस क्लास को हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लासेस में यही से हम कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई डाउट है? ठीक है जी, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाई प्राइस पर हम कंजम्पशन को लो करते हैं ना, हम देखते हैं कि अगर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है हाई प्राइस है, पे ज्यादा कर रहे हैं बट सेटिस्फेक्शन लेवल जो है मेरा उससे कम हो जाएगा तो उसको फिर हम डिमांड करेंगे नहीं। निशांत राज, नोट्स किस चीज के मांग रहे हैं? एक देखिए कंटेंट में जाइए, आप अपने ही कोर्स पे जाइएगा, कंटेंट में जाइएगा, वहां पर पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूं वो डाल दिया जाए, और हिंदी मीडियम का जो है वो कल 12 बजे तक डल जाएगा। अक्षय कह रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी दोबारा से एक्सप्लेन कर दें, तो अक्षय एक बार आप बैकअप क्लासेस को देखिएगा, नहीं समझ में आता नेक्स्ट क्लास से पूछ लीजिएगा, फिर मैं आपको जो है पर्सनली एक वो एक नंबर आपके पास में होगा, उनसे आप एक बार अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, देन पर्सनली मैं आपको गाइड कर दूंगा। नहीं नहीं आया किसी का, चैट भी होता ना। क्लासरूम में होता ना, क्लासरूम में सेटिंग में। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट क्लियर ना हो, पहले आप क्लास मिस होती है तो रिक्वेस्ट है कि बैकअप को देख करके आएं, क्योंकि हर अगली क्लास पिछले से आपकी जो है कनेक्ट होगी, तो बैकअप को आप देख करके आएंगे, और उसके बाद भी अगर आपको क्लासेस जो है समझ में नहीं आए, कोई डाउट रह गया तो अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, अपॉइंटमेंट लेने के बाद पर्सनली जो है जैसा भी होगा मैं आपको वो चीजें क्लियर कर दूंगा। कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? एग्जाम से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसे अगर एग्जाम का फाइनल हो जाएगा कि एग्जाम इस डेट को है और कोर्स को उस स्पीड से देखते हुए एक्स्ट्रा क्लास लगवाने की भी नीड होगी, तो एक्स्ट्रा क्लास लगा करके भी जो आपके कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा। तो आप साथ के साथ बस चीजों को साथ के साथ आप चीजें पढ़ते चले जाइए। यहां पर हैंड रेज का ऑप्शन, रेज हैंड का तो ऑन कर रखा है, चैट में भी नहीं दिख रहा है। हाँ तो तभी कर पाऊंगा मैं, नहीं कल मैंने किया। नोटिफिकेशन सारे होने, अक्षय अक्षय कर रहे हैं चैट में, इसमें शो नहीं हो रहा है अभी। क्लासरूम चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा एग्जाम से पहले, आप टेंशन मत लीजिए। आई नहीं रहा, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा हैंड्रेस का, एक आया है मेरे हीना का, अब दिखा है। हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर मैं बोल रही थी हिंदी में नोट्स नहीं दोगे क्या इको के? हाँ मिल जाएंगे आपको, कल तक मिल जाएंगे। हाँ सर मेरी इको ना हिंदी में है तो उसके नोट्स दे दीजिए प्लीज। ठीक है, कल आपको मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, और किसी को डाउट? ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।